चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं अक्षय अमृत और आज हम बात करने जा रहे हैं ओरिएंट यार्ड और ओरिएंट वेंडी हाई स्पीड डिजाइनर सीलिंग फैंस के कंपैरिजन के बारे में। हमने पहले दो अलग वीडियोस में इन दोनों फैंस की अनबॉक्सिंग करके रिव्यू किया है, वो वीडियोस आप देख सकते हैं। यहाँ हमने दोनों को साथ में रखकर आपका काम आसान करने के लिए इन दोनों को कंपेयर करने जा रहे हैं, इनके फीचर्स, स्पेसिफिकेशंस और डिफरेंसेस के बारे में बताने जा रहे हैं, जिससे कि आपको समझ आ सके कि दोनों में से आपको कौन सा फैन लेना चाहिए। दोनों ही अच्छी प्राइस रेंज में मिलते हैं, ये 2700-2800 की प्राइस रेंज में मिलता है, ये 2800-3000 की प्राइस रेंज में मिलता है, 19-20 फर्क है। तो हम दोनों को कंपेयर करेंगे, यहाँ पर आप वीडियो को आखिर तक देखें और दोनों को ऑर्डर करने का लिंक डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूंगा, वहां से आप उनको परचेस कर सकेंगे अच्छे रेट पर। तो हम इन दोनों फैंस को अनबॉक्स करके इनकी मोटर्स आपको दिखाते हैं किस तरह की होती हैं। इतने अगर आपने हमारे चैनल को पहले से सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो प्लीज उसे सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस करना नहीं भूलें, ताकि आपको हमारे और भी वीडियोस मिलते रहें। दोस्तों, अनबॉक्स करने के बाद कुछ इस तरह की मोटर्स हमें मिलती हैं। ये ओरिएंट जैज की मोटर है, ये ओरिएंट वेंडी की, दोनों ही काफी खूबसूरत है और देखें काफी हेवी और पावरफुल मोटर है। ये ओरिएंट जैज की पावरफुल है और ओरिएंट वेंडी की, दोनों ही पावरफुल हैं, दोनों में ऑयल बिल्ड कैपेसिटर लगा हुआ है और दोनों ही 1200 mm स्विफ्ट के फैंस हैं, यानी कि 48 इंच का स्विफ्ट होता है। दोनों की स्पीड के बारे में बात करें तो ओरिएंट जैज हाई स्पीड फैन है, 380 revolutions प्रति मिनट के साथ मिलता है। वहीं ओरिएंट वेंडी की स्पीड होती है 330 revolutions प्रति मिनट की, यानी कि स्पीड के मामले में ओरिएंट जैज बेहतर है ओरिएंट वेंडी से। दोनों के एयर डिलीवरी के बारे में बात करें तो 230 क्यूबिक मीटर प्रति मिनट की एयर डिलीवरी होती है दोनों फैंस की, यानी कि दोनों सेम है एयर डिलीवरी के मामले में। पावर कंजम्पशन की बात करें तो इसका पावर कंजम्पशन होता है 75 वॉट का, वहीं ओरिएंट वेंडी का 70 वॉट का पावर कंजम्पशन होता है। स्पीड कम है तो पावर भी कम कंज्यूम कर रहा है, ये दोनों में डिफरेंस है। दोनों ही 100% कॉपर वाइंडिंग वाली मोटर के साथ आते हैं, ये हाई ग्रेड के कॉपर में बनी हुई होती है 100% कॉपर वाइंडिंग मोटर, और दोनों में ही डबल बॉल बेयरिंग्स यूज किए गए हैं, जिससे कि आपका फैन स्मूथ चले और बेयरिंग्स की लाइफ ज्यादा रहे। दोनों की वारंटी 2 साल की होती है और ऑन साइड वारंटी मिलती है, आपको वारंटी कार्ड डीलर के द्वारा फिल करके स्टैम्प करके दिया जाता है और आपको 2 साल के लिए संभाल कर रखना होता है, जरूरत पड़ने पर उसे दिखाना होता है। आपको 2 साल के लिए होम सर्विस मिल जाती है, बस एक सर्विस के लिए रिक्वेस्ट आपको रजिस्टर करनी होती है। दोनों ही फैंस काफी अच्छी तरह से डिजाइन किए गए हैं, एरोडायनामिकली बैलेंस्ड ब्लेड्स हैं, इसमें पीयू पेंटेड ब्लेड्स हैं और इसमें भी ड्यूअल कलर टोन दी हुई है। देखें आप यहाँ पर मोटर में ड्यूअल कलर टोन है और एक्स्ट्रा वाइट ब्लेड इसकी होती है। तो अब इन दोनों फैंस की ब्लेड्स को मैं लगाकर दिखा देता हूँ कि फैन ब्लेड लगाने के बाद कैसे ब्लेड्स लगाने के बाद दोनों फैंस कुछ ऐसे दिखते हैं। देखें ये ओरिएंट जैज मेटेलिक ब्रॉन्ज कॉपर कलर में और ये ओरिएंट वेंडी पर्ल व्हाइट वॉलनट कलर में। देखें ये ड्यूअल कलर टोन में है, ये सिंगल कलर में है, पीयू पेंटेड है, दोनों ही काफी खूबसूरत लगते हैं। और अगर आप इस तरह की व्हाइट पेंट वाली सीलिंग में लगाएंगे तो वहां भी खूबसूरत लगेंगे, ये अपोजिट कलर होगा, ये मैच करेगा सेम कलर होने से। और अगर फर्नीचर है रूम में तो वहां भी दोनों फैंस बहुत अच्छी तरह से मैच करेंगे, सूट करेंगे और आपके रूम के डेकोर में 4 चांद लगा देंगे। दोनों ही में अच्छे फैंस हैं, दोनों अच्छी प्राइस रेंज में है, तो आप इनको ऑनलाइन ऑर्डर कर सकते हैं, मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है वहां से। और आपको हमारा ये कंपैरिजन वाला वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और हमारे और भी वीडियोस देखते रहें।